नमस्कार, मैं आरती गोड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गनियारी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान यात्रा में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई थी और शासन की योजना से लाभान्वित हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी भेंट किया गया। इस दौरान शासन की योजना का लाभ देने के उद्देश्य से समस्त विभागीय द्वारा कैंप भी आयोजित किया गया, जिसका पात्र ग्रामीणों को लाभ हेतु प्रमाण पत्र भी बनाए गए। इस मौके पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा, कलेक्टर हर्ष कुमार दीक्षित, विधायक मोहन शर्मा, राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार, गौतम टेटवाल, अमर सिंह यादव के साथ समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गण और क्षेत्र के सरपंच, सचिव व ग्रामीण लोग मौजूद थे। इस दौरान कार्यक्रम में सरपंच हेमराज गुजर ने सभी का आभार प्रकट किया। देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। मेरे मीडिया के बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारी, मेरा उद्बोधन का तो विषय नहीं क्योंकि महामहिम राज्यपाल बोल चुके हैं, परंतु मैं आप सब लोगों से एक विनती करना चाहता हूं। ये विकसित भारत यात्रा के माध्यम से हमारे ग्राम पंचायत स्तरीय जो कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें जिस प्रकार की हमारी समस्याओं का समाधान वहां पर अधिकारी बंधुवर कर रहे हैं, ये पहली बार इस प्रकार की जो पहल यह सराहनीय है। राज्य शासन और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जो मिल रही है, ये भी हमारे लिए शासन स्तर से जो कार्यक्रम बना इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पहले शहरी क्षेत्र का विकास देखा, पर ग्रामीण क्षेत्र का विकास हमने पहली बार देखा 2003 के बाद। उससे पहले का इतिहास अगर उठाकर देखें तो गांव में ना सड़क थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना शाला भवन थे। हमारी सरकार बनने के बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि गांव को विकसित बनाना है। जगत को भी एक काम दिया कि 2047 तक हम एक तरफ विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, मगर 2047 में विकसित भारत हमको बनाना है। इसलिए शिक्षा जगत को भी, बच्चे को भी, एक एक अपना जो सोच है कि कैसे तरह ये देश को उच्च स्तर पर ले जाए, उस शिखर पर ले जाए, उसके लिए अपना अपना ओपिनियन है, वो भी लिखकर भेजना है। राज्यपाल की ओर से एक कार्यक्रम कुशभाव ठाकरे हॉल में किया था शिक्षक जगत के लिए। करीब 31 जितने वाइस चांसलर आए थे, 450 जितने विद्यार्थी आए, वीडियो कॉन्फ्रेंस से 2010 जितने बच्चे को सुन रहे थे और ऐसे जितने वीसी और प्रोफेसर भी उसमें जुड़े थे, वो भी कार्यक्रम चल रहा है। 25 जनवरी उसका भी समाप्ति का दिन है, तो कई ऐसे जवान लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने को विकसित भारत बनाना है तो सहयोग अपने को भी करना है। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा है। आज के कार्यक्रम में आकर सबको मिलकर और कई प्रतिभाओं में जब भी मैं सुनता हूं, तभी मेरा आग्रह रहता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिले में जाओ जो मेरा छूट गया। मैंने ऐसे राज्यपाल के इच्छे से 21 महीने में 52 डिस्ट्रिक्ट कर दिया था और ये विकसित भारत यात्रा भी आज मेरा 21वें विकसित भारत की वही उपस्थिति है। अगर सबको मिलकर, मेरा काम ये भैया, हमको पहले राज्यपाल की कॉन्फ्रेंस जब भी हुई थी तभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि राजभवन कोई आराम के लिए का स्थान नहीं है, लोक कल्याण कार्य की योजना बनाने काम करना है।
और हम तो उनके जब ये सीएम थे वो 18-18 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे, और हर एक मंत्री पर भी 12-12 घंटे काम लेते थे। वो आदत हमको हो गई, उसकी वजह से आज मैं जितना जाऊं उतना कम है ऐसा मैं समझता हूं। इसलिए आज मैं सुबह में भी एक यात्रा में हुआ, दोपहर के बाद भी ये यात्रा में आया। आप सबको मिलकर और गन्यारी और ये बच्चे को तबला वादक को सबको देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के उपलक्ष में जो मेरे गांव में आयोजन हुआ है, जैसा मैंने अनुमान लगाया था उससे भी ज़्यादा सफल रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग हमारे भाई साहब लखन जी भंडारी का विशेष सहयोग रहा, सभी अतिथि या हमारे अधिकारीगण उनका भी बहुत सहयोग रहा। कम से कम 7-8 दिन से वो इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे और इस कार्यक्रम को हम पहले साधारण तरीके से मनाना चाह रहे थे, पर हमें हमारे ये सौभाग्य समझता हूँ मैं अपना कि इस कार्यक्रम का आमंत्रण महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया और वो गनियारे आने के लिए तैयार हुए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस यात्रा के संबंध में कि इस यात्रा को राज्यपाल महोदय एवं समस्त मंत्रीगण, हमारे स्थानीय विधायक मोहनजी शर्मा और SDM महोदय, CO साहब और तहसीलदार महोदय ने सतत सहयोग किया और ये कार्यक्रम सफल बना, उनके सहयोग से सफल बना। जय हिंद, जय भारत। 15 दिसंबर से संपूर्ण प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही थी। उस योजना का मूलतः उद्देश्य ये है कि अभी तक जो हमारी देश की सरकार की और प्रदेश की सरकार की योजनाओं से जो भी योजनाओं के लाभार्थी थे वो उन योजनाओं से छूट गए थे, उन लोगों को हमारी भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और जो हमारे ग्रामीण जनों के जो छोटे मोटे काम हैं वो काम इस यात्रा के माध्यम से, चूँकि यात्रा में हमारी तहसील के समस्त प्रशासनिक अधिकारी इस यात्रा में साथ चल रहे हैं, तो स्थानीय स्तर पर ही गांव में हमारे ग्रामीणजनों की जो छोटी मोटी समस्या है उनका निराकरण हो, इस हेतु ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। इसी कड़ी में आज हमें नरसिंहगढ़ विधानसभा में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, हमारी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन जी शर्मा साहब के माध्यम की वजह से आज हमारी विधानसभा की गांव गनेरी में वो पधारे। हम ग्राम पंचायत गनेरी की ओर से, हमारी संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ की ओर से हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं।